नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे लाल मिट्टी से किस प्रकार सफेद दाग को दूर कर सकते हैं। सफेद दाग दोस्तों एक बहुत ही नामुराद बीमारी है जो किसी को भी हो जाए तो बहुत ही परेशानी का सबब बन जाती है। सफेद दाग किसी को भी हो सकते हैं और ये एक बीमारी है जो समय पर इलाज करने से ठीक हो सकती है, लेकिन कई बार लोग इसे छूत की बीमारी मान लेते हैं और इस कारण इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों के साथ उठना बैठना तक बंद कर देते हैं, जबकि ये गलत है। अगर ये लड़कियों को हो जाए तो और भी उनके सारा जीवन आफत में आ जाता है, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी होने में बहुत ही दिक्कत आती है और कईयों की तो हो भी नहीं पाती, जबकि ये भी गलत है। तो इन गलत चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, आज हम यही आपको बताने वाले हैं। इन गलत चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की ज़रूरत है और इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को भी इस इलाज के बारे में बताएं, ताकि वो भी घर बैठे ही इस बीमारी का इलाज कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, बहुत ही आसान है ये उपाय। ये उपाय बहुत ही आसान और रामबाण इलाज माना जाता है और आपको इसका असर 15 दिन में ही देखने को मिलेगा। ये नारियल तेल का विशेष तरह का मिश्रण है जिसे तैयार करना बहुत ही आसान है। लाल मिट्टी, जी हाँ दोस्तों, लाल मिट्टी को सफ़ेद दाग का रामबाण इलाज माना जाता है, जबकि शहर में रहने वाले कम लोगों को ही इस बात की जानकारी है। ग्रामीण जगह पर तो लोग इस बीमारी के इलाज के लिए लाल मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं इसकी विधि। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच लाल मिट्टी। तो क्या है फायदे दोस्तों? लाल मिट्टी में कॉपर की मात्रा अधिक होती है, ऐसे में जब आप अपनी त्वचा पर लाल मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉपर त्वचा में मेलेनिन के निर्माण को बढ़ा देती है, जिससे सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं। अदरक से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे सफ़ेद दाग वाली जगह पर पोषण की मात्रा पूरी होती है और दाग जल्दी ठीक होने में सहायक होती हैं। अब आपको जानना है कि किस तरह से लाल मिट्टी को अपने दागों पर लगाएं। लेकिन इन दाग को ठीक करने के लिए आपको विशेष तरीके से दागों पर लाल मिट्टी को लगाने की ज़रूरत है। इन दागों पर लाल मिट्टी लगाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच अदरक के रस में 2 चम्मच लाल मिट्टी का पाउडर, उसको मिलाकर आपने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। फिर इस पेस्ट को आपने जहाँ जहाँ पर भी सफ़ेद दाग है वहाँ पर लगाना है और 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। ऐसा आपने रोजाना करना है, इससे सफ़ेद दाग जल्द ही भरने लगेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको एक ज़रूरी हिदायत भी है। इस उपाय को शुरू करने से पहले आपको नमक, मिर्ची, तला हुआ या मांस, मछली, शराब, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को सेवन बंद कर सकते हैं तभी इस उपाय को शुरू करें, क्योंकि बिना इन चीज़ों का सेवन बंद किए ये उपाय उतने कारगर नहीं होते। साथ ही आप जो होम्योपैथी इलाज इस बीमारी के लिए करवा रहे होंगे उसे इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के दौरान जारी रखें, इससे दुगना असर होगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा इस नुस्खे का इस्तेमाल करने के दौरान रोजाना सुबह 1 गिलास लौकी का जूस जरूर पिएं। इस जूस में 11 तुलसी के पत्ते और 11 पुदीने के पत्ते डालकर आपने इसको पीना है तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी जानकारी, सफ़ेद दाग को आप कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसे स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।